देखे नहीं, जात पूछे नहीं, प्यार में दिल भी है, मुश्किलें नित नहीं। निधि ने ऐसा क्यों कहा कि नरेंद्र का मर्डर राजन कर सकता है? सर, वो लालची औरत मुझे फंसा के बदला लेना चाहती है मुझसे। क्यों मारा मेरे भाई को? क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा? अरे नरेंद्र, कम से कम इस बहन पे तो रहम किया होता। नमस्कार, मैं मदन डोगरा इस प्रेम कहानी के दूसरे और अंतिम भाग को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा नरेंद्र मर्डर केस की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। नरेंद्र के कातिल जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। शिल्पी अपने भाई के कातिलों के पकड़े जाने पर संतुष्ट है और केस को खत्म मान चुकी है। लेकिन दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। इस कहानी के दूसरे भाग में कुछ तो ऐसा है जिसके लिए मुझे आपके समक्ष उपस्थित होना पड़ा। अब भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन पर पर्दा पड़ा हुआ है। अगर ये पर्दा नहीं उठाया गया तो आप इसकी हकीकत से वंचित रह जाएंगे। और कितना रोगी शिल्पी, रो रो के अगर जान भी दे दोगी ना तो जाने वाला कभी वापस नहीं आएगा। भैया की मौत ने मुझे तोड़कर रख दिया निधि, अच्छे बुरे का होश ही खो बैठी हूं। तुमको भला बुरा कहा? मुझे माफ कर दो निधि, बस करो। और कितना शर्मिंदा करोगी मुझे? और तुमने जो किया, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं भी वही करती। नहीं निधि, मत रोको मुझे, बोल लेने दो मुझे। मैं सोचती थी तुम्हारे भैया के बीच कुछ चल रहा है। नहीं, मैं गलत थी। असल में भैया किसी और से मिलने जाते थे। कोई बात नहीं, ऐसी गलत फहमियां हो जाती हैं। तुमसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? पूछो। तुम्हें मुझ पे और राजन पर शक कैसे हुआ? नहीं निधि, मैं गलत थी। मुझे लगा तुम दोनों का तलाक मेरे भैया की वजह से हुआ है। कहीं तुम दोनों ही तो मेरे भैया की जान के दुश्मन तो नहीं बन बैठे? लेकिन नहीं, असली हत्यारे पकड़े जा चुके हैं, उनको सजा भी हो चुकी है। अब बस यही बात का चोटती है कि मेरी वजह से तुम दोनों को पुलिस का टॉर्चर झेलना पड़ा। एक बात कहूं, मानोगी? मानने वाली होगी तो जरूर मानूंगी। तुम और राजन फिर से एक हो जाओ, ये कभी नहीं हो सकता। तुम नहीं जानती कि राजन एक दुष्ट किस्म का इंसान है। वो अक्सर मुझे मारता पीटता रहता था, इसलिए मैं उससे अलग हुई हूँ। तुम नहीं जानती निधि, एक औरत को हमेशा एक मर्द के सहारे की जरूरत होती है। फिर वो सहारा एक भाई का ही क्यों ना हो। अकेली औरत कितनी असुरक्षित है, ये भैया के जाने के बाद में मुझे इसका एहसास हुआ। ठीक है, मैं सोचूंगी। सोचू नहीं निधि, चलो तुम दोनों एक हो जाओगे तो मैं समझूंगी मेरे पापा का प्रायश्चित पूरा हो गया। प्रायश्चित? हाँ, प्रायश्चित।
जाने की तैयारी हो रही है। तुम? हाँ मैं। तुम यहाँ क्यों आई हो? अभी निकल जाओ तुम यहाँ से। मुझे नफरत है तुम्हारी शक्ल से। अब इतनी बुरी भी नहीं हो कि तुम मेरी सूरत से नफरत करो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम चली जाओ यहाँ से। मुझे गुस्सा आ गया तो धक्का मार के तुमको यहाँ से निकाल दूंगा मैं, समझी? हाँ तो मैं भी तलवे चाटने नहीं आई हूँ और ना ही आना चाहती थी। वो तो शिल्पी ने कहा इसलिए उसकी बात मानकर मैं। कौन शिल्पी? तुम मेरे घर? हाँ भैया। भैया गलती किसी से भी हो सकती है, आपसे, मुझसे या निधि से भी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे माफ ना किया जाए। मैंने आप दोनों पर नरेंद्र भैया की हत्या का शक किया। मैं यहां पर अपनी गलती की माफी मांगने आई हूं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इट्स ओके, कोई बात नहीं है। नरेंद्र भैया तो अब नहीं रहे, उनकी कमी तो जिंदगी भर खलेगी। क्या मैं आपको भैया कह सकती हूँ? अभी तक तो तुम मुझे भैया ही कह रही हो। तो इस बहन की एक रिक्वेस्ट सुन लीजिए, कोर्ट से तलाक की अर्जी वापस ले लीजिए प्लीज। लेकिन इनसे कह दो कि मुझे मारपीट बिल्कुल पसंद नहीं है। अब अगर ये मारेंगे तो ननद भाभी मिलकर इनकी कुटाई कर देंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज आप दोनों साथ में हैं। और सबसे ज्यादा तो इस बात की खुशी है कि मुझे एक भाई मिल गया और भाभी भी। शिल्पी तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा भैया अब चलती हूँ, फिलहाल अब आना जाना तो लगा ही रहेगा। फिलहाल तो अभी पुलिस स्टेशन कॉल करना है। अभी कुछ बाकी रह गया क्या? नहीं भैया बाकी तो कुछ नहीं है, बस ये जानकारी लेनी थी कोर्ट ने उन हत्यारों को क्या सजा सुनाई। चलती हूँ भैया, अपना ख्याल रखना। तुम भी। आज शिल्पी की वजह से ही हम दोनों फिर से एक हो गए, पर उसका ध्यान अब भी पुलिस स्टेशन और कोर्ट पर ही है। जब तक उन्हें सजा नहीं मिल जाती है। कल नरेंद्र के केस की कोर्ट में सुनवाई है, हमने फाइल तैयार कर दी, कल दोनों को कोर्ट में पेश करना है। नरेंद्र की बहन ने निधि और राजन के बीच समझौता करा दिया सर। अच्छा तुम्हें कैसे पता? लैंडलाइन पर फोन आया था सर आपसे बात करने के लिए, आप बाहर गए थे तो मैंने बात की। चलो ये काम उसने अच्छा किया। वैसे दोनों है कहाँ? वहीं सर जहाँ पहले रहते थे, अब साथ में रहने लगे। नरेंद्र की बहन ने तो ये भी बताया कि एक दो दिन में कोर्ट से तलाक की अर्जी भी वापस लेने वाले। चलो किसी का उजड़ा घर बस जाए तो अच्छी बात है। तुम एक काम करो, नरेंद्र के केस की फाइल वापस निकालो। सर वो केस तो क्लोज हो चुका है। हाँ जानता हूँ, लेकिन ऐसे ही देखना चाहता था। ओके सर। इसे संजोग कहा जाए या समय का चक्र, जिस दिन राजन और निधि हनीमून पर जाने की तैयारी कर रहे हैं उसी दिन अदालत में नरेंद्र के कातिलों की पेशी होनी है। इस बात की जानकारी इंस्पेक्टर नोटियाल के माध्यम से शिल्पी को हो जाती है। शिल्पी अदालत जाने की बजाय राजन और निधि को विदा करने के लिए उनके घर जाती है। शहर छोड़ के भागा जा रहा है। हम शहर छोड़ के क्यों भागेंगे? हाँ भैया भाभी शहर छोड़ के क्यों भागेंगे? भैया भाभी
तो रिश्ता भी बना दिया तुमने। शायद तुम जानती नहीं तुम्हारे इस भैया भाभी ने किया क्या है। क्या किया है? मर्डर। क्या? खून किया है दोनों ने। किसका? तुम्हारे भाई नरेंद्र का। इस अखबार को तो पहचानी गए होगे। नहीं, ये क्या है? कोई बात नहीं, इस हथौड़े को। अरे सैम, एक मिनट, रुको रुको रुको। इंस्पेक्टर साहब, जब हमने कोई खून किया ही नहीं है तो हमें फिर से अरेस्ट क्यों किया जा रहा है? तू यही सोच रहा होगा ना कि एक बार तुझे छोड़ने के बाद मैंने वापस क्यों गिरफ्तार किया। क्या करूं, ये शक का कीड़ा मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता। और छोड़ेगा भी कैसे, नरेंद्र की खून की कोई और वजह भी तो नहीं थी। जो शक किसी और पे जाता, मैंने तेरे पीछे अपने दो खबरी लगा दिए थे जो 24 घंटे तेरी निगरानी रखे हुए थे, जिसकी तुझे खबर नहीं थी। फिर मैंने एक दूसरा ड्रामा रचा, दो आदमियों को पकड़कर उन्हें नरेंद्र के खून के इल्जाम में अंदर कर दिया, जबकि वे नॉर्मल से छोटे मोटे पॉकेट मार थे। महीने 15 दिन में छूट जाएंगे, लेकिन उससे मुझे काफी सहायता मिली। मर्डर वेपन ले आओ। यस सर। आप मुझे फंसाना चाहते हो? बेटा, मैं इतने शातिर दिमाग वाले को फंसाना नहीं चाहता, बताना चाहता हूं। सर, इस अखबार को तो पहचानी गए होगे। नहीं, ये क्या है? कोई बात नहीं, इस हथौड़े को। ये क्या मिला आपको? याद कर, जब तू इस हथौड़े को छोड़ के वहां से जा रहा था, तब सामने आने वाले आदमी से तू टकराया था। और जहां तूने हथौड़ा फेंका था, उस समय तो आदमी वहां से चला गया था, लेकिन तेरे जाने के बाद वो आदमी वापस वहां आया था। सॉरी सॉरी। फॉरेंसिक रिपोर्ट से क्लियर हो गया है कि इस हथौड़े पर तेरी ही उंगलियों के निशान है। या तो सीधे सीधे सच बोलेगा या मैं कोई और तरीका अपनाऊं। हाँ सर, ये खून मैंने ही किया। मेरे जीते जी मेरी वाइफ किसी और के बाहों में झूला झूले, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ सर। लेकिन तुम दोनों तो तलाक ले चुके हो। नहीं सर, तलाक के लिए अर्जी दाखिल किया था, तलाक हुआ नहीं था हमारा। चलो मान लिया, लेकिन तलाक लेने के बाद निधि तुमसे अलग तो हो ही जाती। नरेंद्र का ही तो सारा लफड़ा था सर, उसी ने निधि को बरगलाया था और इसलिए निधि मुझे छोड़ के उसके पास चली गई थी, और वो उसे किराए का कमरा भी दिया था,
और उस पर बहुत ज्यादा खर्चा करता था वो। पर एक दिन अचानक निधि नरेंद्र को छोड़ के मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा कि प्लीज राजन, इतने कठोर मत बनो, मैं अभी भी तुम्हारी पत्नी हूं। है नहीं, थी, अब मेरी कुछ नहीं लगती है तू। निकल जा मेरे घर से। ठीक है, मैं जा रही हूं, लेकिन कल का अखबार जरूर देख लेना, उसमें मेरी मौत की खबर छपी होगी। एक शर्त पे तुम मेरे साथ रह सकती हो। कैसी शर्त? मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूं, बताओ मुझे। नरेंद्र की हत्या। अगर तुझे मंजूर है तो रुक, वरना दरवाजा खुला है। उधर से रिश्ता तोड़कर आई हूं, यहां से भी चली गई तो कहां जाऊंगी? की बात मानने में ही भलाई है। ठीक है, इसकी वाइफ को ले आओ। यस सर। नरेंद्र के मर्डर में तेरी वाइफ भी तो शामिल है। इस कत्ल की असली वजह तो वही है। मेरे भाई को खा गए, मैं तेरा गला दबा दूंगी। आप शांत रहिए, इसको सजा कानून देगा। चल शुरू हो जा। मेरी शर्त मानने के अलावा इसके पास कोई चारा नहीं था और इसने हाँ कर दी। और फिर उसी रात हम लोगों ने नरेंद्र को मारने का प्लान कर लिया था और प्लान को 3 दिन बाद अंजाम देने का निर्णय लिया हम लोगों ने। और फिर मैं मार्केट गया और वहाँ से हथौड़ा खरीद के ले आया। निधि ने और मैंने नरेंद्र से फ़ोन पे बातचीत की और हमने उसे घूमने के लिए राजी कर लिया। कितने दिनों से तुम लोगों को बोल रहा हूँ यार, कहीं बाहर चलते हैं, पिकनिक एंड ऑल, थोड़ा इन्जॉय करते हैं। फाइनली हम लोग आ जाएंगे। सही कहा तुमने, साथ में कितना मजा आ रहा है। बिल्कुल मजा तो आएगा ना। ब्यूटीफुल म्यूजिक। एक मिनट, तुम क्या हुआ, रुक क्यों गया? अरे यार तू भी ना कहीं भी शुरू हो जा। चल प्लीज जल्दी आ। चल मैं आता हूँ। या श्योर, प्लीज कम। अरे ये कहीं भी चला जाता है ना। हाँ। ये तुम्हें थोड़ा वियर्ड नहीं लगता है कभी कभी? चलो ऐसे लोग भी होने चाहिए लाइफ में, थोड़ी ना एक्साइटमेंट बनी रहती है। जैसे तुम मेरी लाइफ में और मेरी लाइफ में कितनी सारी एक्साइटमेंट बनी रहती है ना। अच्छा। लेकिन ये अभी तक आया क्यों नहीं? पता नहीं कहाँ रह गया। हमेशा ऐसे ही करता है। यू हैव हिज नंबर ना, कॉल करो एक बार। कितना टाइम हो गया ना। मर गया खिलाफत। ये क्या कर रहे हो? थोड़ा बैग में डाल रहा हूँ। पागल हो गए हो क्या? इसे यहीं फेंक दो वरना हम पकड़े जाएंगे। बेवकूफ, अगर यहाँ फेंक दिया तो जरूर पकड़े जाएंगे हम। और तुम्हें पता है, अगर ये हथौड़ा पुलिस के हाथों लग गया तो हमारे फिंगरप्रिंट्स उनके पास आ जाएंगे और उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा हम तक पहुँचने में। चलो जल्दी चलो यहाँ से।
इसे यहाँ झाड़ियों में फेंक दो, इसे जानवर खा जाएंगे तो हम पकड़े भी नहीं जाएंगे। जिंदगी में पहली बार तुमने अकलमंदी की बात की है। चलो जल्दी चलो यहाँ से, इसको उठाओ। और देखो अभी हम दोनों को एक साथ नहीं रहना है, वरना पुलिस को शक हो जाएगा हम पर, और मामला शांत होते ही हम दोनों एक हो जाएंगे, ठीक है? पापी हत्यारे, मैं तुझे निर्दोष जानकर तुझसे माफी मांगती रही, और तुमने क्या किया? मेरी विश्वास का गला घोट दिया, और तू इस सुंदर से चेहरे के पीछे छिपी नागिन, जी तो करता है मैं तेरा गला दबा दूं। आप शांत रहिए, इसके कर्मों की सजा से कानून देगा। कैसे? इन दोनों ने मेरे भैया का खून किया है, और मैं भीम को इन दोनों को अपना भाई भाभी मानती रही। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों को छोड़िएगा नहीं, जहर मिला दीजिए इन दोनों को। शिल्पी जी आप धीरज रखिए और कानून पर विश्वास कीजिए। दोस्तों, लोग प्यार तो कर लेते हैं, लेकिन प्यार में सावधान रहना भी जरूरी है, क्योंकि नरेंद्र के साथ जैसा हादसा हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक आप मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।